ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के पहली बात तो कुछ भी हम लोग पढ़ाई शुरू करें या बाकी बातें चालू करे एक बार मैं चाहती हूं आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो बिकॉज <laughs> जेन्युनली uh, मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जाम आपकी रिसेंटली कंप्लीट हुई है और आप लोगों ने सोचा है कि कुछ टाइम पास ना करते हुए हम लोग जल्द से जल्द जो है सीए इंटर की शुरुआत करें अपने आप में वो एक बड़ी अचीवमेंट है एंड लेट मी टेल यू यू विल रियली फील हैप्पी अबाउट दिस मे बी नॉट टुडे बट जब आपका प्रेपरेटली लीव शुरू होगा ना तब आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे क्योंकि तब आप बाकी के बच्चों से आगे रहोगे क्योंकि आपकी मेन बैचेस जो है एक्चुअल में तो मेजोरिटी बच्चे जो है वो शुरू करते हैं क्लासेस लेना ऑफिशियली आफ्टर द रिजल्ट इज आउट तो आप लोग ये जो भी 20-25 दिन क्लास लोगे जहाँ जहां कुछ सब्जेक्ट के एक दो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाने वाले हैं तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है उन बच्चों के कंपैरिजन में आपके लेक्चर्स 15-20 दिन पहले खत्म हो जाएंगे क्योंकि उन लोगों के ये चैप्टर्स एंड में हो गए जो आप लोगों के अभी हुए हैं तो उससे क्या हो जाएगा आप खुद सोचो आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो ड्यू है नवेंबर में है ना और फाउंडेशन uh, जैसा आप सुहाना सफर तो नहीं है इंटर में आपको कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा है ना कि हम लोग इंटर में आ चुके हैं तब आप लोगों के एक एक दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इनफैक्ट इंटर है नेक्स्ट लेवल बट फाउंडेशन में भी आप लोगों ने फील किया था थोड़े से और दिन मिल जाते तो बेस्ट हो जाता थोड़े से और घंटे मिल जाते तो बेस्ट हो जाता आप सोचो यहां पे हम कुछ घंटे की बात नहीं कर रहे हम दिनों की बात कर रहे अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा बाहर रुक तू और किसी को अंदर मत आने दे तो सुनो मेरी बात आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट यू ऑल हैव मेड इन योर लाइफ क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव अगर आप बाकी बच्चों से पंद्रह दिन आगे हो गिव्स यू अ लॉट ऑफ बफर टाइम टू सॉल्व पेपर्स डू द आरटीपीज कवर योर वीकनेसेस समटाइम्स कवर योर बैकलॉग्स डू द रिविजन अगर बैकलॉग नहीं है कुछ नहीं है तो आपको रिविजन को एडिशनल फिफ्टीन डेज मिल जाता है विच इज टू मच टाइम फॉर सीए इंटर तो बहुत बढ़िया डिसीजन आप लोगों ने लिया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऐसे डिसीजन जिंदगी में लेते जाओ आप बहुत आगे जाओगे क्योंकि जिंदगी में वक्त की अब आपको बहुत कमी होने वाली है क्योंकि सीए इंटर इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट इट इज नॉट अबाउट कौन ज्यादा होशियार है कौन ज्यादा ब्राइट है क्योंकि जो बच्चा ब्राइट है वो फाउंडेशन क्लियर करने वाला है आप देखो अगर रिजल्ट फाउंडेशन का आता है अप्रोक्सिमेटली 20 से 25 परसेंट बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो अगर लाख बच्चों ने फाउंडेशन दिया है लाख बच्चे में से ओनली 25,000 फाइव थाउजेंड टू थर्टी थाउजेंड किड्स क्लियर द एग्जामिनेशन और अगर आप वो 30,000 बच्चों में से हो मतलब आप होशियार हो में अगर लाख बच्चे दे रहे हैं और पच्चीस हजार पास हो रहे हैं, मतलब आप सिटिंग इन इंटर वो हुआ तो है बट नाउ इंटर वही बच्चा क्लियर कर सकता है जिसको होशियारी के साथ साथ थोड़ी समझ और सूझबूझ है वक्त की वो भी क्योंकि सीए इंटर में आपकी जब जर्नी शुरू होती है अब हम लोग बैठे हैं अप्रोक्सीमेटली नाइनटीन जैन आप समझो जैन तो खत्म ही हो गया क्योंकि अगर सैटरडे संडे कुछ ऑफ ऑफ रखना हो तो अप्रोक्सीमेटली सपोज जैन अगर खत्म ही हो गया आपके पास फेब मार्च अप्रैल मे जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर एंड ऑक्टोबर नवंबर में तो आपकी एग्जाम है मे बी सेकेंड या थर्ड नवंबर को आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी सो यू हैव अप्रोक्सिमेटली नाइन मंथस एंड नाइन मंथस इज नॉट नाइन मंथस ऑफ क्लासेस नाइन मंथस इंक्लूड सिक्स क्लासेस एंड द प्रेपरेटली लीव जिसमें आपकी ग्रुप वन की क्लासेस अप्रोक्सिमेटली साढ़े तीन महीने चलेगी ग्रुप टू की क्लासेस आपकी ढाई महीने चलेगी मतलब छ महीना आपका क्लासेस में जाएगा एंड देन यू हैव ओनली टू मंथ दैट इज सिक्सटी डेज टू स्टडी फॉर सिक्स सब्जेक्ट नॉट इवन टेन डेज पर सब्जेक्ट आप सोचो बट आप लोग इतना टेंशन मत लो

क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है टू क्लियर द एग्जामिनेशन अगर आप पूछो ना आज डे वन पे क्योंकि डे वन पे बच्चा बहुत एंथू रहता है जैसे अभी न्यू ईयर आया था तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जिम जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे क्रिकेट खेलेंगे डांस करेंगे बस पंद्रह बीस दिन हो गए ना अब बस हो गया शौक पूरा जिम जिम हो गया डांस हो गया घूमला फिरला हो गया सब हो गया बैक टू स्क्वायर वाल जैसा हम पहले थे वैसी बात होती है तो वैसे अभी आपकी बैचेस जो जो शुरू हुई है तो एकदम एंथ होगा मैम कैसे करेंगे क्या होगा क्या सारी चीज़ें होगी हमको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है दोनों ग्रुप रैंक लाना है मैम बताओ क्या करना चाहिए तो अगर अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या करना चाहिए मैम एक टिप बताओ जिससे हम दोनों भी ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए तो वन टिप विच इज द गोल्डन टिप इज दैट यूटिलाइज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली दैट्स द ओनली वन गोल्डन मंत्रा टू क्लियर द एग्जामिनेशन जिसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी है कोई बैकलॉग नहीं रखना है जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क आपको रेगुलरली करना है और क्लास के साथ साथ आपको पढ़ना है ताकि आपका एक रिविजन क्लास के साथ ही हो जाए और आप जब प्रेपरेटली लीव की शुरुआत करो ज द सेकेंड थर्ड फोर्थ फिर आपको जैसे रिविजन करना है वैसे वैसे आपके रिविजन होते जाएंगे और टेस्ट भी होते जाएंगे सो दर इज ओनली वन रिक्वेस्ट इज डोंट बंग द लेक्चर्स सेकेंड रिक्वेस्ट इज डू योर होमवर्क प्रॉपरली एंड दर्ड थर्ड रिक्वेस्ट इज जितना क्लास में पढ़ाया गया बस घर पर जाके उतना पढ़ो ये तीन चीजें आपने फॉलो कर ली क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी टास्क बच्चा बैकलॉग के चक्कर में ही रह जाता है क्योंकि प्रेपरेटली लीव में जब उसको प्रिपेयर करना है वो बैकलॉग दिखता है फिर बचते कितने दिन है ना आपके पास है कैलकुलेट किया है देखो डेज तो है आपके पास छह सब्जेक्ट के लिए दस दिन में थोड़ी ना होने वाला है क्योंकि सौ सौ मार्क के आपके पेपर्स हैं एंड लेट मी टेल यू सी ए इंटर का क्योंकि आज आपका सीए इंटर का ऑफिशियली फर्स्ट डे है और मेरा फर्स्ट लेक्चर है मैं आपको इंटर की जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूं बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट देखो आप लोगों को छह सब्जेक्ट्स है कितने सब्जेक्ट्स है बोलो तो छे कुछ पता है आप लोगों को ये छह सब्जेक्ट्स के बारे में डोंट टॉक <coughs> सुनो मेरे को आपको कुछ बताना है सी इंटर में आप लोगों को दो ग्रुप्स से ग्रुप वन एंड देन यू हैव ग्रुप टू ग्रुप वन में आपको तीन पेपर्स है और ग्रुप टू में भी आप लोगों को तीन पेपर्स है क्योंकि आप लोग डायरेक्टली न्यू सिलेबस में ही आ जाते हो देर इज नो ओल्ड एंड न्यू फॉर यू आप लोगों के लिए सिर्फ न्यू ही न्यू है ठीक है पूरा न्यू सिलेबस पूरा न्यू करिकुलम, पूरा न्यू पैटर्न आप लोगों को एप्लीकेबल है जिसमें ग्रुप वन में तीन सब्जेक्ट्स है और ग्रुप टू में भी तीन सब्जेक्ट्स है कोई कह रहा था ना हमको पता है कौन से तीन सब्जेक्ट्स है ग्रुप वन में बता सकते आप लोग ओके okay. यस yes, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है दैट इज एडवांस्ड अकाउंट्स पेपर नंबर टू इज माय पेपर एंड दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज तो मैं लॉ लिख रही हूं थर्ड पेपर इज टैक्सेशन जिसमें आपको दोनों भी है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसलिए यहां पर मैं सिर्फ टैक्स सीख रही हूं इन शॉर्ट ग्रुप टू में आप लोगों को तीन पेपर है जिसमें से पहला पेपर इज कॉस्टिंग सेकेंड पेपर जो है दैट इज ऑडिट हाँ ठीक है ऑडिट एंड अश्योरेंस ऑडिट लिख देती हूं मैं ठीक है और तीसरा पेपर जो है दैट इज एफ एम एंड एस एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सारे के सारे छह पेपर्स आप लोगों के है डिस्क्रिप्टिव ओके बट इसमें एक चीज अच्छी है सारे छह पेपर्स में आपको थर्टी मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है बट दीज आर नॉट दैट फाउंडेशन लेवल टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वन लाइनर टाइप्स ठीक है सम क्वेश्चन आर के स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको लॉ का बताती हूँ लॉ में जैसे तीस मार्क्स का एमसीक्यू है ओके बट तीस मार्क्स के एमसीक्यू के लिए तीस एमसीक्यूज कभी नहीं पूछे गए ऑलमोस्ट इक्कीस बाईस एमसीक्यू पूछे जाते हैं मतलब कुछ कुछ एमसीक्यूज जो है वो दो दो मार्क्स के होते हैं बिकॉज दो आर गुड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से पूरा कहानी वाहानी पूरी स्टोरी वोरी पूरी स्टोरी वोरी फिर उसके नीचे दो तीन सब क्वेश्चन होते हैं जो दो दो मार्क्स ईच के होते हैं तो वैसे ही सारे पेपर्स के लिए होता है एक एक सेंटेंस का नहीं होता है ट्रू फॉल्स कांट से डोंट नो ऐसे नहीं होते हैं ओके okay? प्रॉपर शिद्दत इज्जत वाले जहां पे इंस्टीट्यूट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करने वाला है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बिगैर कुछ नहीं हो सकता है तो देखो यहां पर ग्रुप वन में आपके सारे के सारे पेपर्स जो है इट इज गोइंग टू बी फॉर हंड्रेड मार्क्स ईच सो इन शॉर्ट आपका ग्रुप वन तीन सौ मार्क का है और आपका ग्रुप टू भी जो है तीन सौ मार्क का है बट हर पेपर में जैसे मैंने आपको कहा आपके थर्टी मार्क्स के जो एमसीक्यूज गए और बाकी के जो सेवेंटी मार्क्स है इट्स गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पास अगर होना है तो कितने मार्क्स लगेगे मैम बताओ हा इंडिविजुअली इंडिविजुअली इन एवरी सब्जेक्ट वॉट यू रिक्वायर इज फोर्टी मार्क्स इंडिविजुअल बट इन एग्रीगेट इंस्टीट्यूट जो कहता है वी वॉन्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स फिफ्टी परसेंट मार्क्स का क्या मतलब होता है तीन सौ में से कम से कम हमें वन फिफ्टी एंड वन फिफ्टी मार्क्स चाहिए तो इन ऑल सारे छह सब्जेक्ट मिला के वी वॉन्ट थ्री हंड्रेड मार्क्स तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है हैच कुड पुल द वीकर सब्जेक्ट्स सबसे बेस्ट पार्ट इस करिकुलम का है फॉर द एमसीक्यूज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है बिकॉज सिक्स सब्जेक्ट इंटू थर्टी मार्क्स कितने मार्क्स हो गया वन एटी मार्क्स सिक्स थ्री सा एटीन है ना तो सिक्सटी इंटू थ्री वन एटी भाई फाउंडेशन में मैथ्स था जिसको क्लियर कर ला है आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सोच रहे हो मैम मैथ्स क्लियर हो गया ना तो फाउंडेशन क्लियर हो गया <laughs> ऐसा कुछ है क्योंकि क्यों अभी पूछा है मैंने हाँ तो बोलो ना चाइनीज में नहीं पूछा है बेटा इंग्लिश में ही पूछा है ठीक है तो आपको 180 मार्क्स के एमसीक्यूज है जिनको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इससे बेहतर और क्या हो सकता है इट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू तो इसीलिए क्या करना है आपको आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ यू आर आल्सो सपोज टू फोकस ऑन योर बोलो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज द एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कहाँ से भी उठा सकता है कहीं से भी लिटरली जो है वो उठा सकता है इसलिए कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत क्लियर होना जरूरी है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत फोकस करने वाला है बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को होने वाली है बिकॉज फर्स्टली जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं दीज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आर ओनली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट वो मगिंग वाले जैसे ट्रेंड्स फिगर्स और ऐसे वाले एमसीक्यूज होते हैं ना वैसे एमसीक्यूज कभी नहीं पूछता जैसे आप लोगों को इकोनॉमिक्स uh, में हुआ करते थे ना फाउंडेशन लेवल पे वैसे एमसीक्यूज आप यहाँ पे एक्सपेक्ट भी मत करना ओके दीज एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहती हूं अच्छा आप में से सब लोग क्या फाउंडेशन से आए हो या कुछ डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे भी है डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट एंट्री ओके okay, बाकी सब लोग फाउंडेशन जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं आप लोगों का कभी कंपनीज एक्ट हुआ है क्या बीकॉम लेवल पे हुआ है ना थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता है ना कंपनीज एक्ट में क्या सारी चीजें है या नहीं है हाँ ठीक है तो मैं आपको वही बता रही थी कि एक एग्जाम्पल आप, आपको बताना है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है है क्या प्राइवेट और पब्लिक कंपनी आपने देखा प्राइवेट कंपनी में देर इज अटेशन ऑन द नंबर ऑफ में टू हंड्रेड बट फिर देखो उसमें और एक कॉन्सेप्ट है जब आप दो सौ की गिनती करते हो ज्वाइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन एम्प्लॉय मेंबर्स एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड इन दिस गिनती ऑफ 200. तो so, इंस्टीट्यूट ना कैसा सवाल बनाएगा एमसीक्यू बेस सवाल ऐसा बनाएगा कि कोई कंपनी है से कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और एक्स लिमिटेड में ऐसे कुछ मेंबर्स है से uh, कुछ कंपनी uh, के एम्प्लॉयज है जिनके पास कंपनी के शेयर्स है ठीक है कुछ एक्स एम्प्लॉयज है जिनके पास कंपनी के शेयर्स है थीके? ठीक है तो एम्प्लॉइज uh, फिर उसके साथ साथ देर आर मे बी से फाइव कपल्स हु हैव हेल्ड द शेयर्स इन ज्वाइंट नेम्स फाइव कपल्स तो बेसिकली लोग हो जाते हैं दस एंड देर आर अदर पीपल हु हैव हेल्ड द शेयर्स मे बी अदर्स वन फिफ्टी ये थर्टी एंड मे बी टेन तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए इसको ज्यादा कर लेते हैं फिर मे बी ये फिफ्टीन तो दो सौ हो गए अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आईसीआई पूछेगा कि ये एक्स लिमिटेड जो है ना वो कन्वर्ट होना चाहती है इनटू अ प्राइवेट कंपनी इट वांट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड में वो कन्वर्ट होना चाहती है क्या ये कंपनी को अपने नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत है फिर एक रहेगा यस yes, नो no, फिर पार्टली यस yes. एमसी ah, क्यूज बराबर बताया गया जवाब क्या लगाए पार्टली नो बहुत सॉल्व कर लिया एमसी क्यूज तो बताओ आपके हिसाब से वॉट द करेक्ट आंसर यस नो पार्टली यस पार्टली नो कांट से डोंट नो वॉट इज आंसर क्लियर नो वाई नो दो सौ पांच है प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में तो दो सौ लोग लगते हैं पहली तो है। बात तो एम्प्लॉय मेंबर्स का काउंट हो गए एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स कपल्स कितने काउंट हो गए और अदर्स तो एक्चुअली तो ये कंपनी में वन फिफ्टी फाइव मेंबर्स ही है दो नहीं है तो यहां पे रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है इवन इफ दिस पब्लिक कंपनी गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ प्राइवेट कंपनी इट नीड नॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन थी डेफिनेशन में वो एल आर पी का एल था एल में वो उसके बच्चे थे जहां पे जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन एम्प्लॉय मेंबर्स एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड ऐसा सवाल सेम फाउंडेशन में होता तीन मार्ग का जो अब आपको इंटर में पूछा जाएगा फॉर टू मार्क्स का एमसीक्यू जो आपके फाउंडेशन में पांच पांच मार्क के क्वेश्चन होते थे वो दो दो मार्क के एमसीक्यू बनेंगे तो सोचो पांच मार्क का के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का क्या लेवल रहेगा और ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर इन द कॉन्सेप्ट तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे भी सबसे पहला एंड सबसे ज्यादा फोकस is going to be on your concepts because that's the way it should be. Concepts agar important नहीं होते सिर्फ learning important होता na ना kabhi कभी नहीं kiye किए जाते हैं बट इस नए करिकुलम में इंस्टीट्यूट ने सारे सब्जेक्ट में एमसीक्यूज डाले हैं इंस्टीट्यूट खुद चीख चीख के बोल रहा है वी डोन्ट वॉन्ट लर्निंग वी वॉन्ट अंडरस्टेंडिंग एंड कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी फ्रॉम योर लर्निंग तो हो जाएगा और वैसे भी सीए बनने के बाद आप बेर एक्ट से देखकर आप जवाब दे ही सकते हो क्लाइंट को बोल सकते हो आई एम बिजी राइट नाउ इन अ मीटिंग आई विल कॉल यू बैक ओके एंड देन यू कैन रिफर द नोट्स एंड यू कैन गिव हिम द आंसर बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज डिड यू अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 470 सेक्शन नहीं आ रहेगा चार सो सेक्शन है कंपनीज एक्ट में उसके अलावा अदर लॉज है समझो आप किसी को याद नहीं रहने वाला है और उसके बाद तो सी फाइनल में और बहुत कुछ और सब्जेक्ट कौन याद रखेगा इतनी सारी चीजें बट अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है आपके कॉन्सेप्ट कल जाके कुछ भी किस्सा सामने आता है क्लाइंट आपके आंखों के सामने या मे भी आपको फोन पे कुछ कंसल्ट करता है एंड देन व्हेन यू ओपन द बेयर एक्ट यू गो टू द सेक्शन सारी चीजें आपके आंखों के सामने याद आ जाती है और समझ आ जाती है इवेंचुअली फिर आपको सारी बातें क्लिक होती है एंड देन यू कैन गिव द आंसर्स टू यहा है छोटी टेक्निकल चीजें याद नहीं होगी पचास लाख है या दो करोड़ है दस करोड़ है या बीस करोड़ है बट कॉन्सेप्ट आपको समझा है एंड है और है सभी चीजें चाहिए एक चीज है तो चल जाएगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ठीक से समझा है यू आर इन अ पोजिशन टू कंसल्ट टू योर क्लाइंट च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ईवन प्रैक्टिकली यू विल नॉट बिलीव बिकॉज ये कॉन्सेप्टअल क्लैरिटी पर इतना फोकस किया जाता है यह पिछला रिजल्ट ही आया है ना दो दिन पहले दो चार दिन पहले यह पिछले रिजल्ट में ही मैं आपको बताना चाहती हूं ये देखो ये सारे स्टूडेंट्स को रैंक मिला है जो मुझसे पढ़े है ऑल ओवर इंडिया रैंक सिक्स फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी फोर थर्टी नाइन फोर्टी थ्री ये सारे बच्चों ने लो म से लिया था अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती क्या इन बच्चों को रैंक्स मिलती नहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी जरूरी है बट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर एन एग्जामेशन इफ यू वॉन्ट टू गेट अ रैंक प्राइमरी फोकस शुड बी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है इन द क्लास बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ दूसरी चीजें भी जरूरी है दैट इज अग्रीड बाई मी ऑल्सो इन क्लास विच इज पॉइंट नंबर टू इज रिविजन वाई बिकॉज आपका सेवेंटी मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव है जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपको लर्न होगी हम क्लास के साथ साथ रिवाइज करेंगे क्लास के बाद भी रिवाइज करेंगे तो देखो क्लास के साथ साथ जैसे आज मैंने कुछ पढ़ाया कल हम रिवाइज करेंगे फिर नया टॉपिक तीसरे दिन पहले दो दिन का फिर उसके बाद नया टॉपिक जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है हम चैप्टर के वो स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करेंगे इनफैक्ट हर दो चैप्टर्स के बाद दो चैप्टर्स का कंप्लीट थर रिवीजन रिविजन होगा फिर तीसरा चैप्टर शुरू होगा और उसके साथ साथ हर दो चैप्टर्स के बाद हर दो चैप्टर्स के बाद एवरी आफ्टर लैंग्वेज नहीं लिखते आफ्टर एवरी टू चैप्टर्स गोइंग टू बी एन एमसीक्यू टेस्ट और जिस दिन एमसीक्यू टेस्ट होगा ना वो दोनों चैप्टर्स थरली रिवाइज हो गए रिवाइज हो गए एमसीक्यू टेस्ट होगा फिर तीसरा चैप्टर शुरू होगा ये सारे चैप्टर्स के लिए होने वाला है कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी और अदर लॉज के लिए भी तो आपका कॉन्सेप्ट हो रहा है रिविजन हो रहा है एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहा है सिर्फ एमसीक्यूज नहीं ड्यूरिंग द क्लास देर आर गोइंग टू बी फाइव टेस्ट दैट आर गोइंग टू बी कंडक्टेड, फाइव टेस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव मार्क्स इच जिसका रिजल्ट इज गोइंग टू बी चेक्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट सो वी है टीम ऑफ फाइव चार्ट अकाउंटेंट हुर ओनली इन कंडक्टिंग योर टेस्ट 25 मार्क के पांच टेस्ट हो गए और टेस्ट होने के बाद आप लोगों का इलेवेंथ डे पे रिजल्ट आ जाएगा सो बेसिकली इलेवेंथ डे पे आपको आपके करेक्टेड पेपर्स मिल जाएंगे करेक्टेड पेपर्स का क्या इंपैक्ट है यू विल अंडरस्टैंड वेर आर फॉलोइंग शॉर्ट क्लास के बाद टेस्ट कंडक्ट करके क्या मतलब है वक्त हाथ से निकल चुका है आज जब क्लासेस चल रही है तब जब आप टेस्ट लोगे तब इससे क्या होगा यू विल अंडरस्टैंड वेर यू आर फॉलोइंग शॉर्ट कॉन्सेप्ट ही समझे नहीं है या लर्न नहीं हो रहा है या लिख नहीं पा रहे हैं वो सारी चीजें आप समझोगे एंड देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव इन योर वीकर एरियाज और फिर आप फोकस कर पाओगे आपकी वीकनेसेस पे और उसको अपनी स्ट्रेंथ में जो है वो कन्वर्ट कर पाओगे इवन लाइव स्ट्रीमिंग किड्स आर गोइंग टू गिव द टेस्ट लाइव विद द फेस टू फेस किड्स और जीडीपीडी स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं एसपीसी का जो ऐप है उस पोर्टल पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आपका पेपर जो है सबमिट कर सकते हो आपके भी करेक्टेड पेपर्स आपको उसी पोर्टल पे मिल जाएंगे तो टेस्ट सभी का होने वाला है चाहे आप फेस टू फेस के किडो लाइव स्ट्रीमिंग के किडो जीडी स्टूडेंट हो या पीडी स्टूडेंट हो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस हमारे टेस्ट पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू राइटिंग प्रैक्टिस दिस राइटिंग प्रैक्टिस सम विल बी इन क्लास वर्क एंड समी इन होमवर्क क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं क्लास में आपके पास बुक्स है क्या बुक्स आपके पास है एक सेट बुक्स का मेरी किसी के पास भी है मेरी बुक्स का सेट एक ही मिनट आपने मेरी क्वेश्चन बैंक देखी अपने सीनियर से देखी है आपने मेरी जो क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक उसमें 300 से भी ज्यादा क्वेश्चन है 300 से भी ज्यादा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं नॉट द एमसी क्यूज दिस इज वॉट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन माई क्वेश्चन बैंक जिसको हम क्लास में सॉल्व करने वाले सारे क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करने वाले हो इट कवर्स लास्ट टेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन लास्ट टेन पेपर जो है ना उसके एग्जामिनेशन सिर्फ पिछला वाला अटेम्प्ट जो है जो नवंबर का था उसका कवर्ड नहीं है उसके पहले के सारे क्वेश्चन कवर्ड है लास्ट टेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन सो थ्री हंड्रेड प्लस हमारे क्वेश्चन कवर होने वाले जिसमें लास्ट टेन एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चन है साथ साथ लास्ट टेन आर के क्वेश्चन एंड आंसर्स है और प्लस आपकी जो नई मॉड्यूल है ना आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस सारे के सारे जो है वो भी यहाँ पर कवर्ड है तो ऐसे करके ये सारी चीजें आपके क्लास के साथ साथ ही हो जाने वाली है एंड प्लस एज एन एडिशन आई एम गोइंग टू गिव यू माय हैंड रिटिन समरी नोट्स देखो वो क्वेश्चन बैंक आपको बतानी है बहुत भारी क्वेश्चन बैंक बनाई है मैंने इतना मज़ा आएगा आप लोगों को प्रेपरेटली लीव में बस चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक का कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू डू वंडर्स मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए आप सोचो क्लास के बाद एकदम प्राउडली आप बोल सकते हो मेरे लास्ट टेन पेपर्स हो गए सॉल्व मेरे लास्ट टेन आर सॉल्व हो गए एम सी मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं एम जो है मेरे सॉल्व हो गए हैं समझ रहे हो एंड प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक अ ग्रुप नॉट नाउ आफ्टर द रिजल्ट कम्स जहां पे हम लोग हर रोज जो कॉन्सेप्ट करेंगे उस उस ग्रुप में मैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो एमसीक्यूज पोस्ट करने वाली हूं तो उस ग्रुप के द्वारा भी आपके 500 से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो हो जाने वाले हैं सॉल्व सो देर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट इज गोइंग टू बी डन आई हैव प्रिपेर अ लॉट फॉर यू ऑल नाउ इट इज अप टू यू हाउ मच यूल आर एबल टू टेक इट फ्रॉम मी है ना तो आप ये कुछ लिखना चाहते हो ये सब्जेक्ट्स क्या क्या है क्या पासिंग क्राइटेरिया है ये आपको पता है जरूरत नहीं है आप लोगों को और मैं चाहती हूं आप लोग सब क्या करोगे ना लॉ के लिए तो एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करोगे ठीक है क्योंकि इंटर में देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस मैं सिखाते सिखाते ही समरी बनाने वाली हूँ और वहीं पे लिखवाने वाली हूँ प्लस क्लास वर्क में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और होमवर्क के भी क्वेश्चन आप उसी बुक में लिखने वाले हो आई वॉन्ट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ एंड अदर आई थिंक अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको अलग अलग नोटबुक्स ही मेन्टेन करनी पड़ेगी बिकॉज हर एक सब्जेक्ट में काफी राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है फाउंडेशन का सुहाना सफर अब खत्म हो चुका है नाउ यू ऑल आर इन सी ए इंटर सो द प्रेपरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल ये देखो सुनना इसे बात कर रहे हैं सरा क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक देखो ये आपकी क्वेश्चन बैंक है इस क्वेश्चन बैंक में तीन सौ से भी ज्यादा एम 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 एमसीक्यूज है एमसीक्यूज सॉरी तीन सौ से भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो है तो अगर आप देखोगे यहां पर ये देखो कोई भी मैंने चैप्टर उठाया सपोज दिस इज द चैप्टर चैप्टर नंबर ओके शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स यहां पे मैंने दिया है लास्ट डे पे कितना समय आपको देना है इस चैप्टर को आपको पता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है लास्ट लास्ट डे डे टाइम मैनेजमेंट के लिए पे क्या होता है मैं आपको बताती जैसे अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट हुआ ठीक है फिर बच्चा क्या करता है उस शाम को तो मेरा डे दे बिफोर देख लेता है अगले दिन फिर वो कुछ चैप्टर्स लेता है शाम तक लेट लेट के पढ़ता हो लेट लेट के पूरे शाम तक हा? तीन या चार चैप्टर से ज्यादा होता नहीं है उसके बाद कंपनी ग्यारह चैप्टर है अदर लॉज में एल और आपको है फिर बाद में इतने प्रेशर में हुआ है आपके साथ फाउंडेशन में हुआ है ना आप जो हस रहे हैं ना उनके साथ हुआ है। ये हुआ है उनके साथ इतना प्रेशर आ जाता है उस रात पे और एक रात में कितना ही पढ़ लो गया। तो इसीलिए जब आप पहले चैप्टर की शुरुआत करो यू शुड एग्जैक्टली नो इस चैप्टर को मेरे को कितना समय देना है उससे समय ज्यादा आप नहीं दे सकते घड़ी के कांटे के हिसाब से वेन यू आर अलर्ट एंड यू स्टार्ट रिवाइजिंग तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड पिकअप करता है नहीं तो आप ऐसे एक एक सेंटेंस एकदम इमोशनल होके एकदम एक एक चीजें पढ़ते हो और बाद में सारे मेन चैप्टर छूट जाते हैं तो ये मैंने टाइम दिया हुआ है कि एक्जैक्टली exactly कितने घंटे आपको ये चैप्टर को देने प्लस ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है पिछले दस अटैम्प में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स के सवाल पूछे हैं तो आपको पता exactly है एक्जैक्टली इस चैप्टर को कितनी इज्जत देनी है एक्ट नहीं हर एक चैप्टर का यह एनालिसिस है हर एक चैप्टर का और प्लस देर इज अ क्यू कोड ये क्यू कोड जब आप स्कैन करोगे इट विल डाइवर्ट यू टू द डिटेल्ड क्चर ऑफ दिस चैप्टर तो जब टेस्ट है आपको पढ़ना है ग्रुप वन की क्लासेस खत्म हो गए ग्रुप टू के साथ साथ आपको लॉ को छोड़ना नहीं है कंटिन्यू करना है बट बुक लेके पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है जस्ट स्कैन दिस क्यू आर कोड एंड लिसन टू माई लेक्चर दैट लिसनिंग विल बी सफिशंट फॉर अवर आप टच में रहोगे सब्जेक्ट के और प्रेपरेटली लीव में बाद में आपको चीजें आसान रहेगी प्लस अगर आप देखोगे अगर ये क्वेश्चन है क्वेश्चन के वहां पे मैंने लिखा है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अटेम्प में पूछा है मे 18 आरटीपी टी 18 मे आईसीआई के मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन कोई भी रैंडमली अगर आप देखोगे ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है देखो नवम्बर ट्वेंटी में पूछा है ये क्वेश्चन तो ऐसे हर एक क्वेश्चन के उधर ये देखो नवंबर 2022 ट्वेंटी टू फोर मार्क्स दिख रहा है आपको हर एक क्वेश्चन के वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इंस्टीट्यूट ने कौन से अटेम्प्ट में पूछा है सो थिंग्स विल बी वेरी इजी और प्लस हंड्रेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज यहां पर दिए हैं मैंने क्योंकि जो ग्रुप रहेगा ना उसमें वो जो वन वन लाइनर वाला एमसीक्यूज है ना वो मैं सॉल्व करोगी बट आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी पूछती है इंस्टीट्यूट तो ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है ये ये देखो केस स्टडी बेस्ड आपको दिख रहा है लेंथ उसके आंसर्स भी कितने बड़े बड़े देखो दिख रहा है ना मैंने आपको कहा था ना यस नो ट्रू फॉल्स ऐसा नहीं है आंसर्स भी देखो आप ये सौ से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज इसमें कवर होने वाले हैं सो बेसिकली एंड टू एंड प्रेपरेशन जो है आपका क्लास में हो जाएगा प्रोवाइडेड र अटेंडिंग द क्लासेज रेग्युलरली एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन दैट आई एम टेलिंग यू इन क्लास आई जस्ट कीप माई फोन ऑन साइलेंट है ना सब्जेक्ट का आज इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और आज छोड़ देती हूँ आप लोगों को ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है क्योंकि एक्चुअल uh, पढ़ाई हमारी कल से शुरू होगी कुछ अगर नोट्स वोट्स है एक बार मैं स्टाफ से बात कर लेती हूँ और आपको प्रिंटआउट्स में दे दोगी ताकि यू ऑल कैन रिफर दोचुअल नोट्स तो जब uh, आपकी मेन बैक चालू होगी तभी आपको मिलेगी तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं टेम्पररी नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है सुनो ना ये सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताना है तो आप लोग आ गए एक, आपकी नोटबुक में सेपरेट नोटबुक में आपका नाम लिख लो मेरा नाम लिख लो और सब्जेक्ट का नाम लिख लो सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस ये बुक्स बुक्स के बारे में मैं कल बताऊंगी आज नहीं बताना है मुझे कितना करना है बता देती हूँ सर ये तीन मेन बुक्स है इतना करना है आप लोगों को लॉ के लिए। कंपनीज <laughs> एक्ट <laughs> ही इसमें से इतना है और अदर लॉज है बताती हूं अभी रुको सर देखो फर्स्ट पेज पे आप ये लिख सकते हो बट पहले सुन लो क्या क्या है सिर्फ लिखो मत आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज नाम में लिखा है कॉर्पोरेट लॉ में आपको दो एक्ट है एक है कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा है एल एल पी एक्ट जो फाउंडेशन में ऑप्शन में था <laughs> है ना मुझे पता है सब पता है मुझे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एक बच्चे का फाउंडेशन के बच्चे का कुछ एग्जामिनेशन के दस दिन पहले मैसेज आया मैम मैं सोच रहा हूं कि मैं एल एल पी एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को ऑप्शन में रख लेता हूं एल एल पी एंड एल एल पी तक थी था ल एल पी एंड सेल ऑफ गुड एक्ट तो अब मुझे बताओ दस दिन ठीक है ना मैम ऐसे मुझे पूछा ठीक है ना मैम मैं एल एल पी और सेल ऑफ गुड्जैक्ट को ऑप्शन में रख रहा हूं अब बच्चा क्या उम्मीद कर रहा है मतलब टीचर क्या बोले उसको और वो भी दस दिन पहले मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं ये भी कंसिडर कर लेना कि ये भी ऑप्शन में रखना पड़ेगा अब मतलब आप टीचर को कैसे पूछ सकते हो मतलब अगर कोई बच्चा एल एल पी एक्ट भी ऑप्शन में रखने के लिए बोलता है मैं मना ही करूंगी एज अ टीचर हाउ कैन यू एज अ टीचर हम ऑप्शन में रखें क्या इट्स लाइक तुम उम्मीद क्या, क्या कर रहे हो क्या कहे टीचर आपको और ये बच्चा इसका हिम्मत तो देखो नहीं अप्रोक्सीमेटली like 60 60 20 मार्क ऑप्शन में छोड़ रहे क्योंकि ये 16 मार्क और ये 5 मार्क मतलब आप वन थर्ड सिलेबस लॉ का ऑप्शन में छोड़ रहे और आप टीचर को पूछ रहे हो हम वन थर्ड सिलेबस ऑप्शन में छोड़े क्या ठीक है ना मैम तो अब छोड़ा <laughs> क्या एक एक नमूने बच्चे होते हैं अब क्या ही बताया हम बट इस बार अभी फाउंडेशन जो है खैर आप लोगों के लिए तो नहीं बट इस बार अभी पूरा हंड्रेड मार्क्स इज गोइंग टू बी लॉ ओनली देर इज नो बी सी आर सो दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि फिर लॉ बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है और बीसीआर को इज्जत नहीं देता है और फिर जब मार्क्स आते हैं उसको लगता है लॉ में कम मार्क्स क्यों मिले इट्स नॉट लॉ चालीस मार्क का भाई बीसीआर है चालीस मार्क देख दस मार्क का होता बीस मार्क का होता तो अलग बात थी हंड्रेड में से फोर्टी मार्क्स इज नॉट नेग्लिजिबल इट इज कंसिडरेबल मार्क्स और लॉ uh, में तो फुल मार्क्स मिल ही नहीं सकते मतलब आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है पांच मार्क का क्वेश्चन है ठीक है आपने सब कुछ सही लिखा है सेक्शन नंबर भी लिखा है राइटिंग भी बहुत सही है अंडरलाइन भी किया है तो भी आपको चार या ज्यादा से ज्यादा साढ़े चार मिलते हैं अब आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लो राइटिंग तो वही याद उसमें इंग्लिश और ग्रामर पूछो ही मत मैम अंडरलाइन करने का तो टाइम ही नहीं मिला सेक्शन नंबर तो याद किए ही नहीं थे और कॉन्सेप्ट तो ठीक है ठीक ठाक ही आते हैं तो कैसे नंबर मिलेंगे भाई साहब पांच में से फिर वो दो ही मिलेंगे फिर जब पांच में से मैम इंस्टीट्यूट ना बहुत गलत कर रहा है मार्क्स नहीं मिले मेरे को लगा एग्जामिशन मिलेगा देखो मैम मेरे को सिर्फ पचास मार्क्स मिले अरे भाई साहब इंस्टीट्यूट की उम्मीद क्या है आप बताओ मुझे ए आई आर वन जो था इस अटैम्प का उसको एट्टी मार्क्स लॉ में मिले बट मेरे स्टूडेंट को तीन स्टूडेंट्स को एट्टी प्लस मार्क्स मिले जिसमें से एक बच्चा जो है उसको एट्टी टू मार्क्स मिले लॉ में एट्टी टू मार्क्स एट्टी टू मार्क्स इन लॉ सी एंटर सोचो आप तो उससे वही बात की थी मैंने तो उसने वही कहा था मैम आपके ये जो क्यू आर कोड है ना मैंने अभी जो आपको कहा ना ये मेरे शब्द नहीं थे इस बच्चे के शब्द थे उसने कहा था कि मैम आपके जो क्वेश्चन बैंक के क्यू आर कोड्स है वो मैं स्कैन करता था ड्यूरिंग ग्रुप टू क्लासेस मैंने लॉ को कभी छोड़ा ही नहीं ग्रुप वन आपकी साढ़े तीन महीने क्लास हुई ढाई महीने जब ग्रुप टू चालू था मैं हर रोज 45 मिनट्स बस ये क्यू आर कोड स्कैन करके 45 मिनट्स आपके लेक्चर सुनता था क्योंकि उसके अलावा और कुछ टाइम मिलता नहीं था और खुद पढ़ना और लिखना जान पे आता था तो इसीलिए मैं क्या करता था बस आपका लेक्चर जो है वो लगा देता था और सुनते रहता था मेरे दो रिविजन हो गए ग्रुप टू के साथ पहले मैंने नॉर्मल स्पीड पे किया और सेकेंड टाइम मैंने वन पॉइंट फाइव एक्स पे सुना आपके लेक्चर तो उसके दो रिविजन लौके हो गए थे अलॉन्ग विथ ग्रुप टू फिर प्रेपरेटली लीव में और दो रिविजन हुए उसके और ये दो रिविजन इतना पॉसिबल था क्यों क्योंकि क्लास के साथ साथ एक बार हुआ था और ग्रुप टू के साथ दो बार हुआ था तीन बार तो उसका ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है हाँ और दो बार प्रेपरेटली लीव में हुआ तो सोचो उसको कितना कम टाइम लगेगा तो ये इट्स नॉट लक से हो गया इट वॉज द टाइम वॉज प्लान मैनेज एंड फॉलोड उसके वजह से वो पॉसिबल है तो हम आपको सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन देंगे बट लड़ना बेटा आपको खुद है आप ऐसे ही चले जाओगे एकदम ऐसा हीरो बनके बस आई से आई देख लेगे आने दे ले। ऐसा नहीं होने वाला बेटा आप घायल होने वाले हो चोट लगने वाली है आप मर भी सकते हो सो यू आर सपोज टू प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फॉर दैट वी आर देयर विथ यू टू हेल्प यू टू मोटिवेट यू टू गाइड यू बट नाउ यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस एंड अलर्ट यूर सेल्फ ऑल्सो अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो आप फाउंडेशन की बात अलग थी फाउंडेशन में हाँ बेटा जी हाँ बेटा जी ठीक है बेटा जी सब चलता था प्यारी प्यारी मैम अब कुछ नहीं होने वाला है ओके okay? यहां पे इंटर लेवल में फाउंडेशन के बच्चों को क्यूट क्यूट स्वीट स्वीट वैसे वैसे मिट्टे मिठ्ठे में पढ़ा लिया चलता है इंटर में मिट्ठे में नहीं ले सकते ठीक है तो इंटर में आई विल बी अ लिटिल मोर स्ट्रिक्टर बट दैट इज ओनली फॉर योर गुड ओके क्योंकि आई नो दैट इवन अ सिंगल मिनट वेस्टेड कुड वेस्ट योर सिक्स मंथस विच नॉट बी कॉम्प्रोमाइज आई नो द वैल्यू इसलिए एज अ टीचर मैं तो लाइटली नहीं ले सकती एंड जैसा टीचर रहता है वैसे ही बच्चा रहता है तो जब मैं लाइट रहती हूँ मैं क्यूट क्यूट रहती हूँ आप भी मस्ती करते हो स्ट्रिक्ट टीचर रहता है तो इज्जत से शांत से बैठते हो तो वैसी वो बात है फाउंडेशन में इट वॉज एक्सेप्टेबल मैं खुद बोल रही हूँ फाउंडेशन के बच्चों को एकदम लाइट लाइट माहौल क्योंकि वैसे भी वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ते हैं बेचारे बच्चे रहते हैं आपको खुद पता है कैसे थे आप फाउंडेशन में इंटर में आ जाओ ऑफिशियली फिर आपको रियलाइज होगा दस दिन में ही समझ जाएगा क्या बैंड बचती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक तीन तीन घंटे की ग्रुप वन की तीन सब्जेक्ट्स मतलब नौ दस घंटे तो आपकी क्लासेस में ही रहेगा फिर दो तीन घंटा आपका होमवर्क में ही रहेगा दस दिन होने तो आपको समझेगा अरे फाउंडेशन क्या था यार ये लेवल था ये लेवल आपको खुद रियलाइज हो जाएगा बट दैट वॉज ओके यार यू कैन बी लवेबल एंड लव विद द फाउंडेशन किड्स इंटर के लिए दैट्स नॉट पॉसिबल तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज होने वाला है बट दैट इज ओनली फॉर योर गुड अंदर से आई माइट हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू बट आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट बिकॉज मेरे को पूरी क्लास को लेके चलना है अभी तो प्री रिजल्ट बैच है जब मेन बैच रहेगी देर विल भी मोर देन फोर हंड्रेड किड्स इन द क्लास एंड प्लस वर्चुअली देर विल भी थाउजेंड ऑफ किड्स सो आई हैव टू मैनेज बहुत सारे किड्स टूगेदर तो वो स्ट्रिक्टस और वो एटीट्यूड मेन्टेन रखना पड़ेगा बट डोंट वाली पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को पर्सनल लेवल पर ऐसे चिल्ला दूंगी गुस्सा कर दूंगी या टॉन्ट दे दूंगी बहुत हुआ तो ठीक है आई माइट पनिश ऑल्सो बट दैट इज़ ओनली फॉर योर गुड क्योंकि कुछ सिंसियर बच्चे फिर अफेक्ट होते हैं और फिर पूरा क्लास का रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है जहाँ मस्ती करनी हम करेंगे डोंट वरी बट जहाँ पढ़ना है हम पढ़ाई भी एकदम शिद्दत और इज्जत से करेंगे हर एक के लिए सी ए बनना और जल्दी बनना सही समय पर बनना इम्पोर्टेंट है अपनी मस्ती के लिए किसी की जिंदगी हम बर्बाद नहीं कर सकते हमें नहीं पता कौन सा पर्सन क्या बैकग्राउंड से आया है क्या मजबूरी है कितना उसके लिए सीए बनना ज्यादा जरूरी है है ना तो इसीलिए वी शुड रिस्पेक्ट एवरी कंडीशन एंड डू द मस्ती अकॉर्डिंगली हमारे लिए हो सकता है हम सी ना भी बने तो चलेगा पापा का बिजनेस है बट किसी के लिए सच में घर की बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है और घर का खर्चा उसके ऊपर चल सकता है तो हम उसके लिए तो ऐसे नहीं कर सकते हैं वी कैन नॉट बी सो सेल्फिश वी हैव टू टेक एवरी वन टूगेदर एंड ग्रो एज अ टीम तो इसलिए हम क्लास का जो डिसिप्लिन है वो मेनटेन रखेंगे जहां जहां जोक्स क्रैक करनी है मस्ती करनी है मजाक करना है हम करेंगे बट पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और मस्ती के वक्त मस्ती है ना तो देखो कॉरपोरेट लॉ में आपको दो एक्ट्स है एक है कंपनीज एक्ट दो हजार ज्यादा नहीं बट अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को पढ़ने हैं कुछ एक सौ सेक्शंस बस और कुछ नहीं 160 सौ और ये दो बुक्स जिसमें 160 सेक्शंस आपके कवर्ड है बस उतना ही <laughs> क्यों इतना ही क्योंकि पूरा का पूरा कंपनी वो अप्रोक्सीमेटली है चार सौ सत्तर सेक्शन का जिसमें से सिर्फ एक सौ सिक्सटी जो है इंस्टीट्यूट ने डाले हैं जिसमें से फर्स्ट टेन चैप्टर्स आर सेक्शन वन टू वन फोर्टी एट इलेवेंथ चैप्टर फॉरिन कंपनीज जो सेक्शन नंबर थ्री सेवनटी नाइन से शुरू होता है एंड इट गोज अप अपू थ्री नाइन थ्री ऐसे करके आपका कंपनीज़ एक्ट सिलेबस है और कंपनीट लॉ में और एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं एल एक्ट अब एल एल पी एक्ट जो आपको फाउंडेशन में थी वो इंटर में तो है ही प्लस एडिशनली बहुत सारे नए सेक्शन एड किए गए हैं जिसका लेवल भी बहुत डिफिकल्ट है इट्स नॉट दैट फाउंडेशन लेवल वाला एल एल पी एक्ट एक्चुअल में एल एल पी एक्ट का लेवल इज द नेक्स्ट लेवल और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग अब एल एल पी इनकॉरपोरेट कर रहे हैं नाव वी आर नो मोर इन टू दैट पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज बहुत ज्यादा यू नो कंप्लायस ओरिएंटेड हो जाती है तो पीपल फील दैट दे गेट दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट एल एल पी एंड प्लस लाइबिलिटी लिमिटेड होने वजह से दोनों एडेड एडवांटेज मिल जाते हैं तो प्रैक्टिकली भी एल को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है और क्योंकि इतने एल एल पी लेवल तो कॉर्पोरेट लॉ में दो एक्ट है कंपनीज एक्ट एंड एल एल पी एक्ट और कॉर्पोरेट लॉ सेवेंटी मार्क्स का था और वेटेज भी ट्वेल्व मार्क्स है एल एल पी फाउंडेशन में पांच मार्क्स था अब पांच मार्क्स नहीं है ठीक है और अदर लॉज में आपको तीन एक्ट है और अदर लॉज का वेटेज थर्टी मार्क्स है तो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ सेवेंटी मार्क्स अदर लॉज थर्टी मार्क्स बट कॉर्पोरेट लॉ में दो एक्ट है कंपनीज एक्ट एंड द एल एल पी एक्ट एंड अदर लॉज इज थर्टी मार्क्स जिसमें तीन एक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो ऐसे करके आपका जो सिलेबस है वो इन सारी एक्स में बढ़ जाता है यू हैव फाइव एक्ट इन ऑल दो कॉरपोरेट है और तीन अदर्स है और दो कॉर्पोरेट में आप लोगों को कंपनीज़ एक्ट, है, 70 मार्क्स के लिए और अदर्स में फेमा जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, विच इज फॉर थर्टी मार्क्स अप्रोक्सिमेटली दस 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 मार्क्स के ईच रहेगे तीनों भी सो दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज फर्स्ट पेज पे आप ये लिख सकते हो क्या ये एक बार लिख लो ना वर्चुअल किट्स आप लोगों को भी लिखना है ओके कमऑन गाइस इवन यू ऑल शुड हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ आपको पता है इसमें बेस्ट चीज क्या है इस सब्जेक्ट में यहां पे जो न्यू सिलेबस है ये वाला न्यू सिलेबस उसमें 50% परसेंट ऑफ सिलेबस इज गोइंग टू बी टॉट टू यू ऑल I am ओनली only परसेंट बाकी का 50% परसेंट विल बी टॉट टू यू बाई स्वप्निल सर क्योंकि आपको पता है सीए फाइनल का जो लॉ है वो सीए इंटर में आ गया है फेमा जो है ना फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट का चैप्टर नंबर एट नाइन टेन इलेवन डिविडेंट अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स फॉरेन कंपनीज ये सब कुछ फाइनल का सिलेबस था जो स्वप्निल सर पिछले बारह सालों से पढ़ा रहे हैं और यही सिलेबस जो है वो फाइनल में से हटिया क्योंकि पेपर हो गया ना वो ऑप्शन वाला सब्जेक्ट हो गया है बट ये तो जरूरी है हर बच्चों को पढ़ना जरूरी है इसलिए वहां से हटा के इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया उसको ला लिया है एट दी इंटर लेवल सो बेसिकली पूरी बैच जो है इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ माहौल बनेगा क्लास में मजा आ जाएगा आप लोगों को एकदम नहीं 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 दैट इज फॉरन कंपनी थ्री सेवनटी नाइन टू थ्री थ्री ए ज द चैप्टर ऑफ फॉरेन कंपनीज जो मैंने आपको कहा ना इलेवेंथ चैप्टर एड हुआ है कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनीज उसके सेक्शन है वो बीच के सेक्शन नहीं है आप लोगों को तो वन से वन फोर्टी एट है और फिर डायरेक्टली आपको थ्री सेवेंटी नाइन से है टू थ्री नाइनटी थ्री ए ऐसा स्वप्निल so, सर को कभी आपने देखा है पढ़ाते हुए कि नहीं YouTube पे देखा है क्या अच्छा ओके okay. देखना आप मजा आएगा आप लोगों को पूछती हूँ उनको अगर सर आते हैं तो फिर दो मिनट आपसे चर्चा कर लेंगे नहीं तो फिर वील वाइंड अप बिकॉज आपके बैक टू बैक क्लासेस है ना अभी वापस साढ़े ग्यारह बजे ना आप लोगों को क्लास टैक्स है कल क्लास लेनी आप लोगों को कि छुट्टी चाहिए <laughs> क्या करना है बोलो कल तो ले गए ना एग्जाम्स के कुछ चार पांच दिन पहले छुट्टी दे देंगे रिजल्ट के सॉरी नॉट एग्जाम रिजल्ट के तो आप लोगों के पास है एक सेपरेट नोटबुक लॉकी अगर नहीं होगी तो कल से आप लोग लेके आ जाना एक बार मैं स्टाफ से बात करके बुक्स का भी देख लेती हूँ कि क्या हैंड देने हैं तो वर्चुअल के अगर कुछ हैंड देने रहेगे है कल मैं लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप लोग भी डाउनलोड करके अगर आप चाहते हो यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट एंड रिफर टू दीज नोट्स नहीं तो फिर सॉफ्ट कॉपी तो आप रेफर कर ही सकते हो है ना तो आज के लिए बस इतना ही आज पढ़ेंगे नहीं हम लोग कल से हम लोग अच्छा सर आ गए चलो बेस्ट हो गया कल से हम एक्चुअली पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे चलो एक बार जोरदार ताला से स्वप्नेश्वर सर का वेलकम करते हैं वही बता रही थी कि इस बार बेस्ट चीज है कि फिफ्टी परसेंट सिलेबस आर टीचिंग थैंक यू सो मच आप बैठिए ना प्लीज थैंक यू हेलो एवरी वन ओ माई कॉड सो हेलो एवरी वन कैसे है आप लोग आप लोगों में से बहुत लोग डायरेक्ट एंट्री है बहुत लोग फाउंडेशन से हैं दायर एडिटी कोई है पांच बच्चे वेरी गुड और इधर लाइव स्ट्रीमिंग में भी, भी बहुत, बच्चे। बहुत सारे होंगे चलो बहुत अच्छी बात है सांस लेता तो हूँ पहले <laughs> मैम ने बोला एकदम भागते हैं हमें <laughs> आना ही पड़ेगा <laughs> ये मतलब चेतावनी हिदायत <laughs> समझदार का इशारा काफी है ठीक <laughs> है अभी जान दो अभी लाइव चल रहा है मैं बाद में बात करेंगे इसके बारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बैच में संकल्प बैच में इसका नाम ही संकल्प है और हमें संकल्प करना है निश्चय करना है निर्धार करना है कि इसी अटैम्प में ठोकना है इस अटैम में हम लोग अगर सही स्ट्रैटेजी बना दे नौ महीने की नौ महीने को सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करना है साढ़े पांच महीने साढ़े तीन महीने साढ़े पांच महीने में, में जो सही पारी खेल लेगा साढ़े तीन महीने में बचा हुआ जो टाइम है क्लासेस के बाद उसको सही तरीके से रिवाइज करने में हेल्प होगी अल्टीमेटली अगर आपको पास होना है यू रियली ऑना भी सक्सेसफुल ओके तो आपको पहले साढ़े पांच महीने पर ध्यान से अच्छे से काम करना पड़ेगा क्लास में जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो ना कि सिर्फ कंसेप्चुअली पढ़ाया जाएगा कंसेप्चुअल के साथ में लगातार रिविजन होगी तो आपका ध्यान केवल कंसेप्ट में नहीं होना चाहिए क्लास आप जो साढ़े तीन महीने में में रिविजन करते हैं वो तो अलग बात है पर क्लास भी हम लोग लगातार उसका रिवाइज कराते जैसे मैम ने और मैंने जैसे मैम ने जैसे बोला आपको फिफ्टी मार्क्स मैं लॉ पढ़ाऊंगा मैम फिफ्टी मार्क्स पढ़ाएंगी और मैं एफ एम पूरा हंड्रेड परसेंट मैं पढ़ाता हूँ आज एक बजे मेरा भी क्लास है आप सभी को न्योता दे रहा हूं यू आर आर इन्वाइटेड टूडे इन द आफ्टरनून वन ओ हम लोग माहौल बनाएंगे तो दोस्तों कैसा होता ना ये सी इंटर है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है इसका पढ़ने का तरीका बहुत माइन्यूट होता है बहुत डिटेल में होता है और उसी डिटेल में ही पढ़ाते हैं यह समझ के कि कि किसी को कुछ आता ही नहीं मतलब ऐसा समझते कि आपका फाउंडेशन में आप बस ऐसी पास तुक्के पे हो गए यह समझ के पढ़ाते हैं क्योंकि बेस स्ट्रांग होना चाहिए ऐसा जैसे कोई मान लो कोई डायरेक्ट एंट्री से भी आ रहा है तो उसको भी लगना चाहिए यार मैंने फाउंडेशन नहीं किया तो इट्स ओके एम एबल टू अंडरस्टैंड वैसे ही हर कोई फैकल्टी ना कि सिर्फ मैं एवरीबडी क्योंकि तो इस बैच में जो हमारी बैच चल रही है सी इंटर ग्रुप टू की जो आप बाजू में आप देख रहे होंगे इतने सारे स्टूडेंट है उसमें से आधे स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री से भरे हुए और उनको कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि हमने आ, कभी फाउंडेशन नहीं किया उसके बाद का कोई दर्द है बिकॉज हम चाहते हैं हर कोई बच्चा चाहे मान लो उसका सी ए फाउंडेशन में अकाउंट्स अच्छा था नहीं था उसका अकाउंट बेसिक से ही पढ़ाएंगे सी ए फाउंडेशन में लॉ अच्छा था नहीं अच्छा था उसको बेस से ही पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सी इंटर थोड़ा सा नहीं किया आप समझ नहीं कोशिश करो इसमें थोड़ी अलग चीज है यहां पे आपको बहुत ज्यादा आपको समझना जरूरी है इसीलिए जब भी कोई फैकल्टी आएगा आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्ट के ऊपर ये अगर नहीं समझा पहले पूछने का कोई फैकल्टी से डरने का ना यू हैव गॉट ऑल द राइट स्टॉप मैं आपको बता रहा हूं डरने के देखो फैकल्टी विल टेक ऑल द एफर्ट्स कि वो आपको ऐसा पढ़ा कि आपको डाउट ही नहीं आना चाहिए बट अगर आप डरोगे अगर आप पूछने से डरोगे ना लॉस इज ऑल योर्स हमको एक अटेंट फेल होने का नुकसान है कम से कम छह लाख रुपए अभी नया पैकेज चालू हुआ सीए स्टूडेंट्स को बारह लाख रुपए कम से कम साल की सैलरी मिलती है एक अटेंट फेल होंगे एक मार्क से भी फेल हो सकते एक सौ उनपचास में भी फेल हो जाएंगे अगर डाउट है तो डरने का नहीं पूछने का सारे फैकल्टीज यहां फैकल्टीजे फ्रेंडली है आपको कभी फील नहीं होगा कि आप टीचर से पढ़ रहे हो हमेशा भी का दोस्त से पढ़ रहे हो और इसमें क्या था फीमेल्स के लिए तो और अच्छी बात है इस क्लास में कि पे पूजा मैम और अंकिता मैम है तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा क्या नहीं तो क्या होता है मेल डोमिनेटेड होता है सारे जगहों पे तो लड़कियों को ऐसा लगता है यार कैसे बात करो क्या करें तो लेट इट बी एनी इश्यू यू कैन गो टू देम यू कैन टॉक टू देम और लड़कियों का वैसे भी सॉफ्ट कॉर्नर मतलब वो होता है थोड़ा सा दिल उनका <laughs> तो इसलिए आपको हमेशा एक अलग फीलिंग ही आ गया चलो भाई मैं बात जाके बात कर सकता हूँ थोड़ा सा आ, वो लगता है तो आप कभी भी इन दोनों से भी हमेशा बात कर सकते हो बॉयज एंड गर्ल्स आपको कभी लगा कि नहीं यार मैं थोड़ा सा परेशान हूँ ये हूँ हम तो सब हैं ही पर आपके लिए अलग से और बता रहे हैं सारी की सारी क्लासेस बैक टू बैक होगी संकल्प में भी होगी और संकल्प होने के बाद भी एक नया स्केड्यूल बैक टू बैक होगी कोई टाइम का गैप नहीं होगा सिर्फ लंच और वो ब्रेकफास्ट टाइम आपको दिया जाएगा बट ऐसा नहीं होगा आपको दो तीन घंटे बीच में छोड़ दिया गया ऐसा नहीं होगा सारी क्लासेस प्री डिटरमाइंड स्केड्यूल के हिसाब से होती है हमारा टारगेट है पांच से सवा पांच मिनट हम लोग लो सब कुछ खत्म कर दें और आपको इनफ टाइम दे और उस इनफ टाइम के अंदर हम आपको इतनी सारी टेस्ट सीरीज दें आपके लिए और वो टेस्ट सीरीज आप लिखेंगे और उस सौ देंगे। तो क्या होगा ध्यान से सुनना जो क्लास में होता है वो तो टेस्ट होंगी ही होंगी आपकी पर क्लास के बाद में भी टेस्ट हो। तो क्लास के अंदर जब होती है तो तीन टेस्ट हर सब्जेक्ट की होती है हर की... मैंने तो लिए बोले, अच्छा, बोले। है। तो, बोली है। तो, मैं को तो दो लेना टोटल बस तीन आपकी दो मेरी हाँ, हाँ, तो पांच टेस्ट हमारी होगी और क्या टेस्ट लेने से आपको समझता है आपने कैसा लिखना चाहिए यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज पढ़ाएंगे जैसे कि मैं सी ए फाइनल से और ये सब्जेक्ट हम लोग मैम तो ये सब्जेक्ट बारह साल से पढ़ा रही मैं पढ़ा रहा हूं तो जैसे आईसीआई एग्जामिनेशन में पूछती है ना वो सारा एग्जैक्टली exactly हमको पता है कैसे पूछते हैं कैसा लिखना चाहिए तो आपको ऐसा हमेशा क्लास में जब भी हम बोलेंगे कि बच्चों ये ऐसा लिखना है तो हमारा फोकस ना कि समझने पे होगा लिखने पर भी होगा बिकॉज एग्जाम में आप लिखोगे क्या समझोगे एग्जामेशन तो कैसे लिखते दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो वो भी आपको क्लास में ध्यान रखना हर सब्जेक्ट नोटबुक होना चाहिए और ऐसा समझो कि अभी से हमारा चालू हो गया जो बचपन छोड़ दो नाउ यू आर अल स्टूडेंट फाउंडेशन में टैक्स आप सीए पढ़ रहे हो यार अब आएगा ऑडिट अब आएगा एफ मतलब आपको लगेगा यारीए वाला पढ़ रहा हूं जीएसटी पढ़ रहा हूं

आपने कितने एफर्ट्स कम किए और महीने ही दिए नौ महीने पहले नौ महीनों में हम लोग आठ सब्जेक्ट करवाते थे अब नौ महीने में छह ही कराना है तो थिंग्स आर वेरी यू नो मतलब मुझे लगता है आपके फेवर में हर सब्जेक्ट में तीस मार्क का एमसीक्यू दे रखा है भाई मतलब आईसीए की नीतिमत्ता जो है ना बच्चों के प्रति अब चेंज किया इच्छा कि पास होकर जाए अब आगे क्योंकि भारत में इस समय जो ग्रोथ चल रही है इंडिया इज गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ सून और मोदी जी वापस जीत के आएंगे संभावना बहुत ज्यादा है आप सभी जानते हैं इस चक्कर में ग्रोथ तो बहुत है इंडिया के अंदर फॉरन फंडिंग बहुत आ रही है बहुत नए नए स्टार्टअप टेस्ला खुद इंडिया में खुल रहा है तो आप जानते हो कितने सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बहुत होगी भाई ये कोर्स का जो माहौल बनने वाला है ना अभी इतनी कंप्लाइस इतने लॉ चेक करने का पावर सिर्फ हमें होगा किसी के घर पे रोजी रोटी का प्रॉब्लम नहीं इट्स इट इज माय वर्डिंग्स टू यू ऑल आप सीए बनोगे घर पे माहौल बनेगा आपके घर पर पैसों की कमी नहीं आएगी इतना पैसा है सीए में अब क्योंकि इंडिया का समय अब चालू हुआ आने वाले दस साल में आप देखना वो आपने इंडिया के तीन स्टेट में इलेक्शन जीतने के बाद आपने देखा होगा क्या रैली सेंसेक्स में आया हुआ है उसके बाद में आप समझ सकते हो कि ये जो प्रोडिक्शन है इंडिया में बहुत जल्दी सेंसेक्स एक लाख पार करेगा यानी कि सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेंसेक्स का क्या मतलब इकोनॉमी से सेंसेक्स बढ़ रहा है मतलब इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है और जितना बिजनेस बढ़ेगा उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी और जितना बिजनेस बढ़ रहा है तो उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर टू चेक देयर ऑडिट्स चेक देयर अकाउंट्स मेकिंग देयर अकाउंट्स मेकिंग और देयर टैक्सीशन तो ये हमारा काम है जितने धंधे बढ़ेंगे हमारा धंधा बढ़ेगा तो आने वाला समय अपना है अगर आप सच में घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो ना आपको बता मैं घर वालों की परेशानी को दूर हटाना चाहता हूं तो आपका सीए बनना वहां पे बहुत सही तरीका होगा ये आपकी स्ट्रेटेजी आपके घर वालों का सब कुछ चेंज करके रख देगा आपके घर में कोई भी परेशानी है वो आपके सीए के डिग्री से आसानी से सॉल्व सौलोगी बन बिकम चार्ट अकाउंटेंट आपके घर में पैसा दौलत शहरत मोहब्बत सब कुछ होगा बिकॉज आने वाले दस साल इंडिया बहुत रॉक करने वाला है इसलिए आप सभी को इतना ही कह रहे अभी आप ध्यान रखें अच्छे से पढ़े हैव टू बी मोटिवेटेड कि मैं कुछ भा, भारी काम कर रहा हूं छोटी सोच से बैठोगे ना क्लास में मजा नहीं आएगा यार मैं इंटर क्लास नहीं कर रहा हूं मैं सीए बनने वाला हूं और उसके लिए अरे कितने दिनों की बात है इट्स ओनली सिक्स टू एट मंथ टू स्टडी दैट सेट ओवर उसके बाद में यार आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप भी दो साल की बाद में में आप इतने बन जाते हो सीए एलना इसी पास हो जाओगे ओके आई होप बाकी तो मैम विल टेक केयर आई विल टेक केयर पढ़ने का तो टेंशन नहीं रेस्ट रेस्टोर पढ़ाई का टेंशन नहीं है वो विषय नहीं पूछना ही नहीं सर कैसा पढ़ेंगे समझेगा नहीं समझेगा वो उससे बाहर निकलो आप अरे अगर बहुत भारी पढ़ाते इस बार नौ लोग ऑल नौ लो इंडिया रैंक है वो टेंशन नहीं है आपको सिर्फ ध्यान लगाना है और जब भी किसी फैकल्टी से पढ़ते हो ट्रस्ट के साथ पढ़ना है दिमाग में बहुत डालना नहीं ये अच्छा अच्छा ही है बेस्ट है ओके ट्रस्ट मी मैं आपको गाइड कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं दिस इज गोइंग टू बी हंड्रेड परसेंट बेनिफिशियल एक काम करना बाजू में सेंट ग्रुप टू की क्लास चल रही है अभी उनसे सभी से पूछ रहा हूं छह महीने से हमारे पास पढ़ रहे अभी साढ़े लोग बैठे उसमें आप पूछ लेना कि बोलना कैसा आपका अनुभव है दे कैन गिव यू नो द प्रॉपर रिव्यूज के हाँ कैसा है क्या कर रहे हैं सो ड्रेस्ट न गाइस दिस इज गोइंग टू बी रॉकिंग ओके ओके थैंक यू सो मच एवरीबडी हु इज वॉचिंग मी ऑल्सो हम मिलते हैं एक बजे yeah. बाकी सारी बातें होंगी थैंक यू सो मच यार फिर मिलेंगे अभी अगला लेक्चर टैक्स टेक्सिल थैंक यू सो मच